दिखने में खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, लेकिन धमाकेदार चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए साथियों, अब ये जीव निकल रहा है, ये अपने आप को बिल्कुल ही अब खत्म। भाई साहब, इसके बारे में जानते हो आप? बोलो, बोलो। कौन सा जानवर था ये? गोईरा। गोईरा था। अच्छा, काट लेगा तो क्या होगा? तो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त प्रकाश कछवा फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज से एक महीने पहले मैंने एक पर्दा के अंदर रेस्क्यू किया था, जहाँ पर हमने वेल्डिंग मशीन बुलाकर उस पाइप को काटा था और तब जाके एक मोल्डेड लिजार्ड को बचाने में हम सफल रहे थे। और आज जो है उन्हीं भैया ने मुझे कॉल करके बुलाया है। तो वापस एक मॉनिटर लिजार्ड ने उनके खेत पर काफ़ी परेशान कर रखा है उनको और काफ़ी अफरा तफरी मचा रखी है, क्योंकि ये खेत पर रहते हैं और आना जाना इनका लगातार बना रहता है, तो इधर उधर पैरों में आ जाता है तो काफ़ी डर रहता है, तो ऐसे माहौल में काफ़ी खतरा होता है। तो चलिए मैं परिचय करवाऊँगा किसके यहाँ पर ये देखा गया था और कब देखा गया था। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज पटेल। जी सर, कहाँ के निवासी हैं? पड़दा के। तहसील वगैरह? तहसील मनासा, जिला नीमच और गाँव पड़दा। ये काफ़ी समय से इधर बारिश के समय 3-4 महीने हो गए इधर, तो क्या है कि खुले में होने के बाद इसका रेस्क्यू नहीं हो रहा था, तो आज सुबह से 2 बार देखा गया इसको, इसलिए मैंने प्रकाश भैया से संपर्क करके इनको रेस्क्यू करवाया है। ठीक है सर, तो ये यहाँ पर किसी को कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना? अभी तक तो नहीं हुआ, पर हम क्या है लेट सेट रात आना जाना रहता तो डर तो रहता ना। अच्छा, तो अभी क्या है कि ठंड का माहौल है और ऐसे में आप जो खेतों की हकाई जुताई चल रही है तो इसी वजह से डर रहता है ना। तो फाइनली दोस्तों, अब चलते हैं और एक मॉनिटर लिजार्ड को हम रेस्क्यू करते हैं। तो वीडियो में नजर एंड तक जमाए रखिएगा और आइए मेरे साथ, सीधा चलते हैं हम रेस्क्यू करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर चाय बनाई जा रही है और यहाँ गाँव की चाय है, कुएं की चाय है, तो इसे हम पीकर जाएंगे। तो चलिए, ऐसी बनाई जाती है खेत कुएं पर चाय, तो अगर आपने पिए हो तो कमेंट में जरूर बताना। साथियों, काफी मेहनत लगी है, ये यहाँ पर खुदाई की गई है। दोस्तों, इतनी सारी मशक्कत के बाद फाइनली हमने जो है एक मॉनिटर लिजार्ड को फाइनली रेस्क्यू कर लिया है। ये देख सकते हैं, इतना सब कुछ सारा यहाँ पे ये रखा हुआ था, जो मक्का का जो रहता है, मक्का का क्या बोलते हैं इसे, कचरा, भूसा, भूसा, जो मक्का का जो ये कचरा है, सूखला जिसे कह सकते हैं, तो ये जो है काफ़ी समय से यहाँ था और वहाँ हमने रेस्क्यू किया और उसके बाद फाइनली अब हमारे अंडर में है। ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हो, दिस इज़ अ मॉनिटर लिजार्ड। ये देखिए, इसे लोग जो है चंदन गोईरा के नाम से जानते हैं। चलिए मैं इसे बाहर की तरफ ले चलता हूँ। लो सर, खाड़ी बहुत अब भी नहीं जाऊँगा। ये बताओ सर, दोस्तों ये है मॉनिटर लिजार्ड और इसे गांव की भाषा में चंदन गोईरा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यहां पर काफी समय से था इन भैया के कुएं पर। और दोस्तों, यहां गाय भैंसे हैं और ऐसे में इनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं खतरा है और यहां पर जो है गाय भैंसों को वाइट कर सकता है, तो इन लोगों को यहाँ डर था, तो फाइनली इसे आज रेस्क्यू कर लिया है। और इतनी सारी मशक्कत लगी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर खोदा है हमने सब कुछ, यहाँ की सारी प्रोसेस रही है और फाइनली यहाँ जाकर ये निकला है। पाइप से भाग गया था और यहाँ जाकर निकला है, तो चलिए मैं इसे अब ले चलता हूँ उधर की तरफ। चलिए सर, दोस्तों इसकी मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। इसे जो है गांव की भाषा में चंदन गोईरा या फिर विष खोपड़ा के नाम से जाना जाता है। और चंदन गोईरा यानी कि एक ही माँ के दो पुत्र है, काला है, गोरा है, तो ये छोटा होने के कारण लोग इसे जो है एक चंदन गोईरा के नाम से जानते हैं। और वास्तविक में इसका नाम है मॉनिटर लिजार्ड और ये जो छिपकली की प्रजाति का पाया जाता है। पूरे विश्व की हम बात करें तो लगभग 7,000 से अधिक इनकी प्रजातियाँ पाई जाती है और उनमें से एक प्रजाति यह है मॉनिटर लिजार्ड की। और यह जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है साथियों, लगभग 3.5 मीटर तक का होता है
और तब जाकर ये नदियों तालाबों के किनारे चला जाता है। और इन भैया के यहाँ पर जो है काफी समय से इन्हें परेशान कर रहा था, ये देखिए सर। और इसके पीछे के जो आप देख सकते हैं पेड़ काफी खतरनाक है, डेंजरस है। और साथियों कहीं ना कहीं इसे चोट भी लगी है मेरे ख्याल से, नहीं इसके पेड़ जो है बिल्कुल रेड रेड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे जो खतरा हुआ होगा। देखिए इसे रेस्क्यू किया है। और साथ ही इसे जो है मॉनिटर लिजार्ड कहा जाता है, चंदन गोइरा लोग कहते हैं। और ये उछलकर बड़ी आसानी से बाइट कर सकता है हमें। चलिए मैं इसको करीब से दिखाऊंगा आपको। कहीं नहीं, इसकी संरचना और बनावट के आधार पर इसे जो है लोग चंदन गोइरा के नाम से जानते हैं। और प्रकृति के अनुसार इसकी जो है चमड़ी भी निकलती है। देखिए आप लोग जिस तरह सांप अपनी कैचुली निकालता है, ठीक उसी तरह यह भी अपनी जो है चमड़ी निकालने का प्रयास करता है। और चमड़ी निकालने के बाद यह काफ़ी खूबसूरत और एट्रेक्टिव दिखाई देता है। ये देखिए इसके नाखून, ये देखिए यहाँ पर जकड़ने का प्रयास कर रहा है। और आगे की तुलना में पीछे का जो भाग है, इसके पीछे के पैर है, काफ़ी मजबूत पाए जाते हैं दोस्तों। और ये इसकी चमड़ी भी निकल रही है हाल ही की कंडीशन में, ये देख सकते हैं। और इसके नाखून बहुत खतरनाक होते हैं साथियों, बहुत तेज़ी से अगर ये जिस स्थान पर सीधा चढ़ता है तो बहुत तेज़ी से चढ़ता है। और इसके नाखून बहुत नुकीले पाए जाते हैं। और यह किसी स्थान पर अगर आपको पकड़ता है तो चीरा लगा सकता है। और यह बाइट करता है तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई वेनम नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ही नॉन वेनम है, ये देखिए। और ये बड़ा होता है तब इतना बड़ा हो जाता है, यानी कि एक 3-3.5 मीटर तक का हो सकता है। और इसकी आंखें और इसकी बनावट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखिए साथियों। और काफ़ी संघर्ष लगा दोस्तों इसे निकालने में, काफ़ी मेहनत लगी है। तो अगर आपको हमारी जरा सी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसे अब हम पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको इसके पर्यावरण में। और यहाँ पर हमें जो है एक बिल्कुल ही पुराने वर्जन की थैली मिली है और इसी के अंदर हम इसे पैक करेंगे और इसे हम रिलीज करने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो देखकर जीवन में इसे जीवों को पकड़ने का बिल्कुल प्रयास न कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से चले जाएंगे। तो चलिए मैं इसे पैक करता हूँ अंदर की तरफ। रहा है दोस्तों, काफी खलबली मचा रहा है अंदर की तरफ, देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसे पैक कर लिया और ले चलते हैं इसके इसके पर्यावरण में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों हमारे लिए एक इमरजेंसी रेस्क्यू था और यहाँ पर इन्हें काफी समय से परेशान कर रहा था। ठीक है ये साथियों काफी खूबसूरत नजारा है। और ये कुआ है इनका बना रखा है भैया का। साथियों एक छोटी सी नदी है, देख सकते हैं आप लोग, इसे हम पार करेंगे। तो आइए मेरे साथ, देखिए। तो साथियों हमने जो है आज एक पर्दा गांव के एक कुएं पर जाकर रेस्क्यू किया है मॉनिटर लिजार्ड को। और यह रेस्क्यू जो हमारे लिए बहुत ही कठिन था और ये रेस्क्यू हम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसे जीव जो है खेत कुएं पर पाए जाते हैं, लेकिन डर नाम की एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को भ्रम में डाल देती है। तो वहीं पर उन्होंने एक कमरा बना रखा है और वहाँ पर उनका आना जाना लगातार बना रहता है और गाय भैंस भी वहीं पर रहती है। तो इसी वजह से उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं ये बाइट कर सकता है हमें। तो साथियों इसमें वेनम तो पाया नहीं जाता है, लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बिल्कुल ही डर जैसे ही खौफ पैदा होता है तो उनकी हार्ट गति तेज हो जाती है। तो डर के कारण ही लोग मारे जाते हैं, बस यही रीज़न होता है। तो चलिए उनका हमने एक डर बिल्कुल ही क्लियर कर दिया और इसे जो हम फाइनली रिलीज़ करने के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों एक मैं चाहे मेरी बात आपको कड़वी लगती है, लेकिन मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूँ कि वीडियो को देखकर आप कभी भी ऐसे जीवों को पकड़ने का बिल्कुल भी प्रयास न कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से चले जाएंगे।
तो चलिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ और हल्की सी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। और इसने जो है काफ़ी खलबली मचा रखी है अंदर की तरफ। और दोस्तों हम पानी के किनारे इसलिए इन्हें रिलीज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है इन्हें जो है छोटे मोटे कीड़े वगैरह खाने को मिल जाएंगे और यहीं पर इसका जो है गुजारा हो जाएगा, तो इसे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और हम बिल्कुल सेफ्टी के साथ इसे निकालने का प्रयास करते हैं। साथियों इमरजेंसी में हमने जो है इसका प्रयोग किया है थैले का। मॉनिटर लिजार्ड बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है साथियों। देख सकते हैं साथियों आप इस मॉनिटर लिजार्ड को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए मैं नीचे बैठकर आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। साथियों ये जीभ निकाल रहा है और क्योंकि मैंने इसका जो है मुंह पकड़ा हुआ है और लोगों की एक भ्रामक जानकारी है कि जब मॉनिटर लिजार्ड की जीभ भी टच हो जाती है तो मारे जाते हैं, तो यह भी बिल्कुल बात गलत है। और एक और है कि मॉनिटर लिजार्ड के ऊपर जो है बिजली गिरती है, तो साथियों बिजली का गिरने का कोई ये संकेत नहीं है। और पर्यावरण में अगर ऐसे जीव बहुत सारे हैं, अगर ऐसे बिजली गिरती तो न जाने कितने ही लोग मारे जाते। और दोस्तों एक और बात है कि इसकी जो है लार बहुत ही खतरनाक होती है और जो है एक छोटे मोटे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करता है और इसकी लार में जो है बैक्टीरिया मौजूद हो जाते हैं। और जब ये बाइट करता है तो आपका ब्लड रहता है ना, तो उसी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया चले जाते हैं और इस वजह से आपको जो है कई सारी बीमारियाँ हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और कहीं ना कहीं हम जिसे एलर्जी कहते हैं तो हो सकती है साथियों। तो जीवन में इसे जो है छेड़खानी आप बिल्कुल न कीजिएगा बिल्कुल भी प्रयास, और इसके साथ जो है किसी प्रकार की कोई छेड़खानी न करिए साथियों। और इसके नाखून जो है मैं करीब से दिखाऊंगा आपको, काफ़ी नुकीले हैं दोस्तों, ये देखिए काफ़ी नुकीले हैं और ये नाखून इतने नुकीले हैं कि अपने को चीरा लगा सकते हैं और अपना जो है ब्लड निकाल सकते हैं। ये देखिए कितने खतरनाक है, देखिए साथियों। और इसकी पीछे की संरचना काफ़ी ख़तरनाक है और पीछे के पैर जो है आगे की तुलना में बड़े पाए जाते हैं क्योंकि इसको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये बड़ी आसानी से चला जाता है। और इसकी चमड़ी भी निकलती है साथियों और ये काफ़ी खूबसूरत और एट्रेक्टिव दिखाई देता है। और खूबसूरत है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके साथ छेड़खानी करो, देखिए साथियों, ये देखिए साथियों अब ये जीभ निकल रहा है, ये अपने आप को बिल्कुल ही अब खतरा महसूस कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं खतरा है। तो ऐसे में जब भी इनके साथ छेड़खानी होती है तभी ये बाइट करते हैं, अन्यथा बाइट नहीं करते हैं। देखिए कितना प्रयास कर रहा है, कितनी इसकी पावर है, जितनी पावर है उतनी लगा रहा है। और एक और बात है कि लोग बोलते हैं कि यार वाकई में मॉनिटर लिजार्ड के द्वारा चोरियाँ की जाती थी, तो यह बात कहाँ तक सत्य है आप बताइएगा कमेंट में। और देखिए मैं इसे पानी के किनारे छोड़ूंगा और ये बड़ी आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, देखिए। और ये काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा है बिल्कुल कि वाकई में कैसी जगह आ गया हूँ। देखिए इसकी तैरने की स्टाइल देखिए आप लोग, इसके हाथ ऊपर की तरफ है, देखिए तैरने की स्टाइल देखिए साथियों कितनी खतरनाक है, ये देखिए देखिए साथियों। और चारों पैरों से ये बिल्कुल बड़ी आसानी से इधर उधर भाग जाता है, ये देखिए एक बार करीब से देखिए सर, ये देखिए साथियों। देख सकते हैं साथियों बहुत ही खतरनाक है, दिखने में खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, लेकिन धमाकेदार चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है साथियों। और जीव जो है काफी खतरनाक पाए जाते हैं। चलिए इसे रिलीज करते हैं फाइनली। आय हाय, देखिए देखिए कितना खतरनाक प्रयास कर रहा है, देखिए चला गया, ठीक है सर। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह बेजुबा जीवों को बचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए मेरे साथ।